कल पानी बेकार नहीं, सुबह पानी बेकार। मैं गोरखपुर से ट्रैवल कर रहा हूँ ना, बताइए। और ये रही अपनी लॉन्गेस्ट डेली रेन ट्रेन यानी अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से, जो कि डिब्रूगढ़ से लालगढ़। और इस साइड अपनी गंगा सुतलज एक्सप्रेस भी डिपार्चर कर रही है भाई, धनबाद फिरोजपुर। देख लीजिए कैसे हमारी ट्रेनों में टिकट। गोरखपुर बांद्रा हम सफर 6.5 घंटे यार रुका। ब्राउनी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ और ये न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से, और ये आनंद विहार गाजीपुर सिटी के बीच चलने वाली सुहेल देव सुपर फास्ट पेंट्री कार का आदमी था बोलना। सामने खड़ी अपनी महानगरी सुपर फास्ट वाराणसी से छत्रपति शिवाजी मुंबई। नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब? आइए इस बढ़िया होंगे बढ़िया रहें। फिलहाल मैं आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर जंक्शन से, और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19092 गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। इसीलिए सबका स्वागत करते हैं भाई उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ के लिए पूर्वांचल के क्षेत्र गोरखपुर जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफरों को, सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए, मिलते हैं प्लेटफॉर्म पर, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे गोरखपुर जंक्शन 2 घंटे से बैठे हैं, लेकिन हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस का, उसका टाइम था 9:25 डिपार्चर टाइम, लेकिन अभी बिल्कुल ऑन टाइम हो चुका है। लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी गोरखपुर बांद्रा हम सफर को भाई स्टंट नहीं किया है। लगभग 1.5-2 घंटे से हम बैठे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन को स्टंट नहीं किया। पता नहीं यार क्या हो गया आज के दिन, मतलब देखो कब तक स्टंट होती है, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी जो ट्रेन है ना भाई, लगभग 1.5 घंटे रिसिड्यूल हो चुका है, क्योंकि वो अभी बांद्रा से भी नहीं है। इस वजह से जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 6% है कि अभी अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी जो बांद्रा गोरखपुर हम सफ़र एक्सप्रेस है ना, वो अब जाके जो है ना संट रिसिड्यूल हुई डिपार्चर के बाद जो है ना। देखिए कब तक अब डिपार्चर होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अभी बांद्रा से आ रही है, अब लगभग उसका साफ़ सफाई होगा कि नहीं होगा, वो तो हर ट्रेन जैसा वैसे ही साफ़ सफाई देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखो कब तक आता है, उसका संटिंग लेते हैं यार, फिर यहाँ से देखते हैं रिसिड्यूल के बाद कब डिपार्चर होता है, फिर मिलते हैं काशी के शहर। जो जर्नी हो रही है भाई 19092 जो कि गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस, और मेरी जो है ना ये दूसरी हम सफ़र है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने चंपारण हम सफ़र का जर्नी कर चुका हूँ, वो भी स्लीपर में, और ये दूसरी मेरी हम सफ़र एक्सप्रेस की जर्नी वो भी स्लीपर में होने वाली है। तो लगभग डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस के स्लीपर में 230 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे 4 घंटे 35 मिनट। तकरीबन 2 हॉल्ट को कवर करेंगे, पहला आएगा देवरिया सदर, दूसरे अपनी मऊ दीक्षित, और इसी को इस बीच इस ट्रेन का एवरेज स्पीड होने वाला है 50 और मैक्स को 130। बाकी हफ्ते के एक दिन चलती है, फिर ट्यूसडे को चलती है अपनी गोरखपुर के रात के 9:25 पर, और ठीक अगले दिन बुध के सुबह में लगभग 2 बजे रात के करीब हम पहुंच जाएंगे भाई काशी के शहर यानी वाराणसी जंक्शन अंदर। ये हम सफ़र कैसे कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, और इसका भाई जो ब्रेक जोन ऑपरेट होता है ना भाई वेस्टर्न रेलवे द्वारा। बाकी लेट होने का रीज़न आपको पता है भाई, रेसिड्यूल चल रहा है अभी बांद्रा से ही रेसिड्यूल आएगा, फिर उसके बाद देखिए कब तक डिपार्चर। फिर यही थी अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 4.5 घंटे का जर्नी होने वाला है गोरखपुर टू वाराणसी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलिए रात के 11:25 यानी इसका डिपार्चर टाइम था भाई। और ये रही अपनी हम सफर जो कि बांद्रा से अभी जस्ट आई है, और भाई इसका जो टाइमिंग डिपार्चर था रात के 9:25 के था, और अभी टाइम हो रहा है रात के 11:20 यानी 2 घंटे रेसिड्यूल पहुंची अभी बांद्रा से अपनी गोरखपुर हम सफ़र एक्सप्रेस। और इंडियन रेलवे ने बहुत सारी हम सफ़र एक्सप्रेस को जो है ना उसमें आपको स्लीपर ऐड कर दिया है एसी कोच के साथ। बाकी ये रहा अपनी हम सफ़र का एक पेंट्री कार जो कि दुरंतो रेक के साथ, और भाई हम सफ़र ट्रेन था भाई, हम सफ़र का रेक तो बनता ही है। हमारी गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस 2 घंटे रेसिड्यूल के बाद जो है ना गोरखपुर जंक्शन पर अभी स्टंट हो रहा है, जो कि अभी बांद्रा से आई। अब देखिए रेसिड्यूल 2 घंटे तो हो चुका है, अब देखिए कितना डिले के साथ यहाँ से डिपार्चर होता है। तो मिलते हैं बिल्कुल डिपार्चर के साथ, और जर्नी को स्टार्ट करते हैं गोरखपुर से वाराणसी। फाइनली जो है ना
कोच में किसी तरह से पीछे दौड़ भाग करके पहुंच चुके हैं। और अब जो है ना देखें कि कैसे ट्रेन रुका और कितना सारा लोग जो है ना इंतज़ार में था यार। ऑलमोस्ट 2 घंटे रेसिड्यूल हो चुका है डिले के साथ पहुँची। अब देखिए यहाँ से कब तक लोको अटैच होता है, फिर यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, फिर अपनी यात्रा को जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल रात के 1 बजे जो कि रात के 9:25 में अपडेट का डिपार्चर टाइम रेसिड्यूल के बाद प्लेटफॉर्म 6 से हमारी ट्रेन निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन से 3.5 घंटे की डिले से। तो फाइनली अपनी जो ट्रेन है ना 3.5 घंटे रेसिड्यूल होने के बाद जिसका टाइम था रात के 9:25 में डिपार्चर, और भाई लगभग रात के 1 बजे हमारी ट्रेन रिसीड्यूल होने के बाद निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन से। और यहाँ से 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप का आएगा फर्स्ट स्टॉप यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के देवरिया से। ये है दोस्तों गोरखपुर जंक्शन का यार्ड। अभी लोकल ट्रेन जो है ना वॉश हो रही है फिलहाल यार्ड में। सामने खड़ी है गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन जो कि यार्ड में ही है। भाई गोरखपुर कैंट में हमारी मुलाकात हो रही है न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से। भाई स्लीपर पूरा ओवर पैक है इस ट्रेन का। न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भाई यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है हमारी मुलाकात जो कि इंडिया लॉन्गेस्ट डेली रेन ट्रेन यानी अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से जो कि डिब्रूगढ़ से लालगढ़ की ओर जा रही है और गोरखपुर कैंट से निकलते हैं हमारी मुलाकात हो रही है भाई अवध असम एक्सप्रेस इंडिया लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन भाई। देखा ही कि आधी रात को भाई 1:30-2 बजे करीब हमारे कोच में अभी और कोच में एक टीटी नहीं अभी एक साथ 5-5 टीटी जबरदस्त टिकटों की चेकिंग चली है भाई गोरखपुर बांद्रा हम सब लोग। देखें कैसे स्लीपर में कितने आदमी को अर्जेंट फाइन लेकर भाई मुंबई की तरफ जाना पड़ा था। यही कंडीशन आया है इसीलिए बोला विदाउट टिकट की जर्नी आपको कभी नहीं करना है। दिल्ली ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है फर्स्ट देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। और भाई इतने सारे पब्लिक मुंबई जाने के लिए केवल इस ट्रेनों का भीड़ है भाई। डिस्टेंस कवर करके हम आज की जर्नी का फर्स्ट जर्नी यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है DEOS टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन 100 ट्रेनों का पर डे ऑल्ट है। यहाँ से नाइट की ट्रेन ऑरिजिन उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के वांसी डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट टोटल अपनी ट्रेन पहुँचे भाई 3 घंटा 50 मिनट की डिले से लगभग 6
चार घंटे की देरी से मान सकते हैं। चलिए यहाँ से दिखते हैं डिपार्चर। चलिए फाइनली 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन पूरी मुंबई के भीड़ लेके निकल पड़ी है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से। भाई अभी जस्ट अपनी ट्रेन भाई देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से निकल ही रही थी भाई, किसी ने चैन पुल कर दिया है। यार गलत चीज़ है, ऐसा मत करो यार। जब आपको पता है कि ट्रेन डिपार्च हो गया तो फिर क्या ज़रूरत है चैन पुलिंग करने का। भाई देवरिया सदर रेलवे स्टेशन और यहाँ से 89 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद आएगा अपना सेकेंड स्टेशन यानी उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन। उससे पहले मैं 3 स्टेशन को जो है ना स्किप मारूंगा। जैसे अपनी पहला स्टॉप पर जाएगा भटनी, जहाँ से हम लोग कट जाएंगे भाई छपरा सिवान हाजीपुर रूट को छोड़ के हम लोग निकलेंगे भाई मऊ के रास्ते वाराणसी के लिए। और उसका दूसरा स्टॉप पर जाएगा सलेमपुर जंक्शन को स्किप मारेंगे। मऊ जंक्शन से पहले इंदारा जंक्शन, वही तीनों जंक्शन को स्किप मारते हुए कुछ क्रॉसिंग के साथ मिलेंगे सीधा आपको मऊ जंक्शन। और यहाँ पर अपने भाई मिले हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद। क्या नाम पड़ेगा? करण। बाकी साथ में जर्नी करने हम उतर जाएंगे भाई को छोड़ के बनारस से। बाकी जर्नी में बने रही है और भाई देख रहे हैं ना टिक टू की एक नहीं 5 टीटी एक कोच में भाई टेकिंग चल रही है, तो ये कंडीशन है भाई, तो टिकट लेके ही जर्नी करें। दोस्तों इस टाइम हमारी ट्रेन यार भटनी जंक्शन आ चुकी है। मैं सोचा था कि भटनी जंक्शन को यार हाई स्पीड से स्किप मारेंगे, लेकिन ना यार हमारी ट्रेन को यार सिग्नल ही रेड है। वैसे भटनी जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग आ रहे हैं गोरखपुर लाइन से और यहाँ से छपरा सिवान हाजीपुर एक लाइन निकल जाएगी और हम लोग निकलेंगे भाई मऊ के रास्ते वाराणसी की। और भाई भटनी में हमारी मुलाकात हो रही है वैग 9HC जो कि गुड्स लोकोमोटिव के साथ आई है वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन। सामने अराइवल हो रहा है उसका भटनी जंक्शन पर। उसी वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस के वजह से हमारी ट्रेन को जो है ना भटनी जंक्शन पर रोक दिया गया था। वैसे ऑफिशियल हमारी ट्रेन का सिग्नल नहीं होने के कारण, वैसे उस ट्रेन का जो है ना ऑफिशियल स्टॉपेज है लेकिन हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है भटनी जंक्शन। यहाँ से निकल जाएंगे भटनी से हम लोग छपरा सिवान रूट को छोड़ के हम लोग निकल जाएंगे वाराणसी मऊ के रास्ते। देख लीजिए कैसे हमारी ट्रेनों में टिकटों की ज़बरदस्त चेकिंग चली आधी रात को। गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में कर रही है सलेमपुर जंक्शन को। चलिए अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस का अपनी स्लीपर क्लास की जर्नी कर रहे हैं। तो भाई इंटीरियर तो बनता है दिखाना, वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको मिरर है जो कि अलग ही साफ है और बेसिंग है, बेसिंग के साथ पानी जो है ना यार पानी नॉट अवेलेबल है यार, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए वाशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है कैसा नहीं अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर की। सो भाई साहब अभी मैं आ चुका हूँ गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के इंटीरियर में वॉशरूम के अंदर। देख सकते हैं सामने बड़ा सा मिरर है जो कि हालांकि साफ है, ऊपर एक छोटा सा ट्यूबलाइट, कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिया हुआ है, बाकी बेसिंग साफ है लेकिन पानी अवेलेबल है। वैसे वॉशरूम की कंडीशन बताएं तो मिला जुला के साफ है लेकिन भाई स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि गाड़ी आई है ना, उतना साफ सफाई हुआ नहीं, फिर रेसिड्यूल के बाद निकल पड़ी। चलिए चलते हैं आप कोच का इंटीरियर देखते हैं अपनी स्लीपर का कैसा है कैसा नहीं। बाकी चलिए अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र के अपनी स्लीपर क्लास के इंटीरियर देखते हैं। वैसे इन कोच में जाने से पहले देख लेते हैं कितने लोगों को जो है ना प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है यार, टिकट कंफर्म नहीं होने के बाद लोग गेट वगैरह पे सफ़र करना पड़ता है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कोच का टूर कराते हैं स्लीपर का अपनी। यही कंडीशन है जो कि अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस का स्लीपर का इंटीरियर। और वैसे इतना खास क्राउड है नहीं, वैसे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन आगे जैसे जैसे जाएगा भाई वेटिंग वाले भी इस गाड़ी में जो है ना चढ़ते रहेंगे, यही कंडीशन है। बाकी हर कोच यार स्लीपर भी मतलब पैकिंग है, ये है अपनी ट्रेनों की कंडीशन हर कोच में। देख रहे हैं वेटिंग वाले भी चढ़ जाते हैं यार। साफ सफाई की बात करें तो भाई कोच काफ़ी साफ है लेकिन आगे जैसे जाएगा वो हम नहीं जानते कि इस ट्रेन की क्या हाल होने वाली है। ट्रेन हमारी इंदारा जंक्शन को स्किप मार रही है, देख सकते हैं इंदारा जंक्शन।
ट्रेन हमारी पहुंची गई उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का सेकंड एंड लास्ट स्टेशन पे, उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAU। और टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 72 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 4 ट्रेन और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के वांसी डिवीजन में आता है, बाकी अपनी ट्रेन का भाई 5 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है 4 घंटा 5 मिनट की देरी से अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। वैसे तो दोस्तों अपनी मऊ जंक्शन पे 5 मिनट कॉल था, लेकिन ट्रेन काफ़ी आधे घंटे तक रुका रहा, अब डिपार्चर हुआ है। फाइनली अपनी जो गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस से निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन से, और यहाँ से 93 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद आएगा अपना काशी के शहर यानी वाराणसी के एंड पे वाराणसी जंक्शन, बीच में और यार जंक्शन आएगा जिसको हम लोग कोशिश करेंगे स्किप लेने की। गोरखपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन निकली थी, उसके बाद जो है ना दो पानी सेलिंग करने आए थे लोकल पानी, भाई पेंटिंग कार होने के बावजूद भी जो है ना लोकल पानी सेलिंग कर रहे, वो भी 20 रुपया। अपनी ये हाल है अपने गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस के। वैसे रेल नहीं, मैं पूछा तो बोल रहा है रेल नहीं रही है, नहीं है सुबह मिलेगी, ये क्या हाल है। पेंटिंग कार में मतलब बोल रहा है कि है ये नहीं है, मतलब ये गलत चीज़ है। इसमें भी मतलब ओवर प्राइस स्कैम कर रहा है, मतलब हर ट्रेन के जैसे इस ट्रेन में भी वही सेम करके। चलिए दोस्तों अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस के बारे में आपको शेयर कर लेता हूँ। तो ये ट्रेन हफ्ते के एक दिन चलती है, ट्यूजडे को रात के 9:25 पर प्लेटफॉर्म 6 से गोरखपुर जंक्शन तक, और ठीक 1975 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले। तीसरे दिन आपको सुबह के 8:30 पर मुंबई के महाराष्ट्र मुंबई के बांद्रा टर्मिनल सुबह के 8:30 पर 8:30 पर छोड़ते हैं। इस ट्रेन में टाइम लेती है भाई 25 घंटा 5 मिनट का सफर तय करती है 21 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच इस ट्रेन का एवरेज स्पीड आता है 56 और मैक्सिमम पर स्पीड 130। ये हम सफर एक्सप्रेस के डिग्री टाइप की ट्रेन है, और इसका रेक जोन ऑपरेट होता है भाई वेस्टर्न रेलवे द्वारा। और ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन में आपको पेंटिंग कार और बोर्ड और रिकेटिंग की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी। और इस ट्रेन में आपको 7 स्लीपर, मैं हूँ भाई ये स्कोर में, 3 स्लीपर इधर है और 3 स्लीपर इधर, मतलब बीच में है। और इस ट्रेन में एक पेंट्री कार, 2 EOG और 12 3rd AC कोच हम सफर का लगा हुआ है। और भाई इस ट्रेन को चलाया गया था 1 मार्च 2021 को, मतलब 3 साल से ये ट्रेन अपनी सर्विस दे रही है इंडियन रेलवे में गोरखपुर से बांद्रा के बीच हम सफर एक। और इस ट्रेन का भाई लोको रिवर्सल होता है वाराणसी जंक्शन। और ये ट्रेन जो है ना, ये हफ्ते के एवरी ट्यूजडे को चलती है गोरखपुर जंक्शन से। और इस ट्रेन के बारे में बात किया जाए तो इसका एक शेयर होता है बांद्रा बारमेर, और दूसरा बांद्रा से अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है। इस टाइम हमारी ट्रेन भाई पहुंच चुकी है औरिहार जंक्शन। दोस्तों इस टाइम अपनी ट्रेन आके रुकी है उत्तर प्रदेश के औरिहार जंक्शन। यहाँ ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने के कारण जो है ना अपनी ट्रेन यहाँ आके रुक गई। वैसे गोरखपुर बांद्रा हम सफर का जो है ना मऊ से सीधा अपना नॉन स्टॉप है काशी के से वाराणसी जंक्शन, लेकिन आज अपनी ट्रेन भाई डाइवर्टेड चल रहा है। लेकिन औरिहार से जो है ना सीधे हम लोग निकलेंगे वाराणसी जंक्शन, लेकिन यहाँ से 35 किलोमीटर शॉर्टकट है जो कि वाराणसी सिटी के रास्ते। गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, सुबह के लगभग 5:30 हो चुके हैं और इस टाइम हमारी ट्रेन भाई ऑन शेड्यूल हॉल्ट यानी औरिहार जंक्शन उत्तर प्रदेश रुकी है, जहाँ से फेमस है भाई पकौड़ी। और औरिहार जंक्शन से हमारी ट्रेन का भाई शॉर्टकट का डिस्टेंस है भाई, मतलब वाराणसी सिटी के रास्ते है वाराणसी जंक्शन 35 किलोमीटर, लेकिन आज हमारी गाड़ी औरिहार जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के बीच जो है ना भाई मतलब डाइवर्टेड है, मतलब अब समझ लो एक वो हो गया। अब यहाँ से 115 किलोमीटर मतलब घूमकर हमारी ट्रेन जौनपुर जफराबाद के रास्ते जाएगी वाराणसी जंक्शन। तो मिलेंगे सीधे अपनी, मिलते हैं सीधे काशी की शहर अपनी वाराणसी जंक्शन फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 4.5 घंटे के डिले से चल रही है। फाइनली अब हमारी ट्रेन 35 किलोमीटर शॉर्टकट डिस्टेंस को छोड़ के अब 115 किलोमीटर घूम कर जाएगी भाई वाया औरिहार से वाया जौनपुर जाफराबाद जंक्शन के रास्ते अपनी वाराणसी जंक्शन। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस था 35 जो कि अपनी वाराणसी सिटी के रास्ते जो है ना वाराणसी जंक्शन, क्योंकि वर्किंग चल रहा है इस वजह से जो है ना काफ़ी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही है डाइवर्टेड चल रही है। तो हमारी ट्रेन भी औरिहार से जो है ना गोरखपुर बांद्रा हम सफ़र का डाइवर्टेड चल रहा है। तो देखिए औरिहार जंक्शन से निकल चुकी है यार, बहुत बुरा लग रहा है। 35 किलोमीटर शॉर्टकट डिस्टेंस पर जल्दी पहुँच जाते हैं, अब 115 किलोमीटर घूम कर हमको जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे इस रोड की लोकल डेमो भी खड़ी है कैंसिल की वजह से।
चलिए कोई नहीं, अब तो जर्नी करना ही पड़ेगा। वैसे ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन 4.5 घंटे डिले है। भाई रूट डाइवर्टेड होने के बाद हमारी ट्रेन जौनपुर जंक्शन पहुंची और सामने मुलाकात हो रही है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। उस ट्रेन का LHV जब हुआ था तो भाई मैंने कवर किया था बरौनी से लेके जनरल में अपना वाराणसी जंक्शन तक। और भाई देखो यार स्लीपर बिल्कुल खाली। ट्रेन हमारी पहुंची है जौनपुर जंक्शन और वहां पर सामने जो है ना पेटी लेके जा रही है, इसका मतलब यहां पर गार्ड चेंज होने के लिए यहां पर रोकने के हुए। वैसे भाई रूट डाइवर्टेड में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए कब तक पहुंचते हैं भाई वाराणसी जंक्शन। चलिए जी पहुंच चुके हैं जफराबाद जंक्शन रूट डाइवर्टेड के और सामने खड़ी है आनंद विहार गाजीपुर सिटी के बीच चलने वाली सुहैल देव सुपरफास्ट से हमारी मुलाकात हो रही है। अरे हमारा सीट है, बोलने ना बैठिए। जफराबाद जंक्शन पे और उसका लोको रिवर्सल होने वाला है और इस साइड अपनी गंगा सुतलज एक्सप्रेस भी डिपार्चर कर रही है भाई धनबाद फिरोजपुर कैंट के बीच जफराबाद जंक्शन पे क्रॉसिंग होता हुआ। चलिए जी रूट डाइवर्टेड होने के बाद हमारी ट्रेन जफराबाद जंक्शन को अभी क्रॉस कर रही है और इस साइड है अपनी आनंद विहार गाजीपुर सिटी के बीच चलने वाली स्वेल द सुपरफास्ट और इस साइड लगे थे अपनी क्रॉसिंग हुआ है भाई धनबाद फिरोजपुर कैंट के बीच चलने वाली अपनी गंगा सुतला और ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन 5 घंटा डिले चल रही है। ये अपनी गोरखपुर बांद्रा हम सफर है। देखो 5 घंटा डाइवर्टेड होने के बाद भी डिले चल रही है, देखो कब तक पहुँचते हैं अपनी वाराणसी। ट्रेन हमारी पहुँच रही है वाराणसी और सामने खड़ी अपनी महानगरी सुपरफास्ट वाराणसी से छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनस के बीच चलते हैं जो कि 8 में सफाई चल रही है और ट्रेन हमारी पहुंची है भाई वाराणसी जंक्शन। बिल्कुल कर्व पे है यार वो यार्ड भाई ब्यूटीफुल कर्व के साथ हमारी ट्रेन इंटर कर रही है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सब पूरे 6.5 घंटे की देरी से पहुंच गए अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन यानी काशी के शहर वाराणसी कैंट का वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 9 पर। और भाई भीड़ जो देख रहे हैं ना यहाँ सभी मुंबई के लिए और बाइकिंग होने वाली है। 6.5 घंटे डिले चल रही है भाई तो देखे ही यार ये कंडीशन है यार गोरखपुर बांद्रा हम सफर 6.5 घंटे यार रुला कर लाया भाई गोरखपुर से बनारस की सीट। आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा, ट्वीट नहीं कीजिएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। पेंटे वाला स्टाफ आपको जो है ना लूटते रहेंगे जब तक आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा। मैं गया पेंटे घर में, मैं बोला कि कल से मैं ट्रैवल करूँ भाई रेल नहीं रहा अभी तक पानी का बोतल लोकल पानी सेलिंग किया तो बोल रहे हैं कि सर हमारी गलती है, चलिए वो जो बेच रहा है उसको हमने नहीं मिला। हम बोल रहे रास्ते हम ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोकल पानी सेलिंग कर रहे हैं वो भी रेल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन हमारी गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन की भाई इसके हम चल मैंने दे दी नहीं है क्या बोलो आज वो बताइए। कल से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कल से हम ट्रैवल कर रहे हैं रेल लेन नहीं मिला है आखिर ये लोकल पानी पे कल से कल पानी बेकार नहीं सुबह पानी मैं गोरखपुर से ट्रैवल कर रहा हूँ ना बताइए अब है ना सुबह से पानी भी खाया है रात तो पानी बेकार नहीं है। रात हम दो आदमी को खुद हम अपने कोच में देखे हैं मैं खुद देखा हूँ स्टेशन वाला हूँ पेंट्री कार का आदमी था बोलना कि ये नहीं हमने बोला उनको रेल पेंट्री कार होने के बाद भी लोकल पानी सेलिंग के वो भी
20 रुपये पूरे गोरखपुर से पूरे 230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी काशी के शहर वाराणसी कैंट के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ अपनी ट्रेन भाई रात के पहुँचने का टाइम था रात के 2 बजे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है रात सुबह के 6:30 की देरी से पहुँचे हैं। और भाई ये हाल है हमारे इंडियन रेलवे के प्रीमियम ट्रेन वो भी हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन की कंडीशन है भाई, जो कि गोरखपुर बांद्रा के बीच चलते। वैसे जर्नी एक्सप्रेस की बात करो तो भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, लेकिन हमारा स्लीपर भी जो है ना भाई पैकिंग वगैरह शुरू है, लेकिन इस ट्रेन में भी जो है ना पेंट्री वालों को जो है ना स्कैम ही है, मतलब सब चीज़ टूट रहे हैं खुलेआम। तो ये कंडीशन है हमारी गोरखपुर बांद्रा हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन की। वैसे जर्नी एक्सप्रेस के पास में तो सही था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। मिलता हूँ बहुत जल्द इंस्टा फेसबुक फॉलो कीजिए अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जाइए।